बेटा हेलो इट्स ओके मानव मैं समझती हूँ बच्चों के मन में अगर कोई बात बैठ जाए तो फिर बैठ ही जाती है यथार्थ को हमारी वजह से एडजस्ट करना पड़े उससे बेटर है कि हम ही एडजस्ट कर लेते हैं आई थिंक वर्किंग फ्रॉम योर होम इज नॉट अ गुड आइडिया आई एम रियली सॉरी मीरा जी एक्चुअली प्लीज मानव कम ऑन सॉरी की कोई बात ही नहीं है इट्स वेरी नॉर्मल बच्चा है जो दिल में है वही ज़बान पर भी है काश पूरी दुनिया ऐसी होती तो फिर हम जैसे लॉयर्स की किसी को जरूरत नहीं पड़ती जी चलो कल मिलते हैं ओके बाय बाय क्या हो गया यथु आपको आप कभी ऐसे बिहेव नहीं करते थे आजकल आप इतना बैडली बिहेव करते हो क्यों डाटा अपने साक्षी मैम से इससे भी ज्यादा बैडली बिहेव किया है आपको याद नहीं सर वो जो मैडम आई थी उन्होंने ये फाइल दी है हाँ ये फाइल टेबल पर रख दो okay, आज यथु और डाटा फुटबॉल खेलेंगे जिसमें डाटा यथु को बुरी तरह से हराने वाले हैं क्यों यथु डाटा मुझे परेशान मत करो मुझे बहुत तेज नींद आ रही है गुड नाइट सिर्फ 6 हफ्ते बचे हैं वी नीड टू वर्क फास्टर फाइल्स अच्छी तरह से पढ़ लेना बाहर खेलने जा रहा हूँ और आइसक्रीम खाने से गला खराब होता है बस कोशिश कर रहा हूँ डाटा की तरह ताकि बिजी रहूँ डाटा मुझे परेशान मत करो मुझे बहुत तेज नींद आ रही है गुड नाइट जिस यथु के लिए मैं पूरी दुनिया से नाराज हो गया था आज वही मुझसे नाराज है समझ में नहीं आ रहा उसकी नाराजगी दूर कैसे करूं साक्षी जी के जाने से यथु इतना नाराज हो जाएगा सोचा नहीं था तो बहुत ज्यादा नाराज है बात समझ भी नहीं रहा साक्षी जी से बात करनी पड़ेगी हर बार की तरह शायद इस बार भी उनके पास इस बात का सलूशन हो साक्षी जी कैन वी टॉक इट्स अर्जेंट हेलो साक्षी जी सॉरी मैंने आपको इतनी रात में परेशान किया मानो बेटा मैं बोल रही हूँ मालती नमस्ते आंटी जी बेटा एक बात कहूँ बुरा मत मानना जी अब साक्षी को कांटेक्ट करना बंद कर दो अब उसे भी नई शुरुआत करने दो अपनी जिंदगी की मेरे बच्चे ने पहले ही बहुत कुछ झेला है अब वक्त है वो सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़े बहुत मुश्किल से खुद को संभाल रही है वो मुझसे एक वादा करोगे जी आंटी जी अगर तुम्हारी कभी साक्षी से बात हो तो उसे दूसरी शादी के लिए समझाओगे प्लीज मेरी बच्ची को सेटल होने में मदद कर दो बेटा वरना मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगी उसके चिंता में जिंदा लाश बन के पड़ी रहूंगी पर यह शरीर नहीं छोड़ पाऊंगी आंटी जी प्लीज इस तरह से बात मत कीजिए मैं वादा करता हूँ मेरी जब कभी भी साक्षी जी से बात होगी मैं उन्हें इस बारे में समझाऊं आप प्लीज ऐसे मरने वरने की बात मत कीजिए
चलिए, गुड नाइट आंटी जी। अब आप और आपके डैड अकेले रह गए हैं तो, और आप मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं, ऐसा कैसे चलेगा बाजपेयी? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।